हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल MBA to Z। तो आज जरा सा बात करते हैं IIM उदयपुर का ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोग्राम का बारे में, व्हिच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम नाउअडेज। एज बिकॉज क्या है ना, 2013 में ये वाला प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम उसको एग्जीक्यूटिव MBA बोला जाता है, बट दिस इज ऑल्सो एन एग्जीक्यूटिव MBA। बट स्टिल इसका डिटेल्स में आज बात करेंगे, इसका एप्लीकेशन फीस क्या है, कोर्स फीस क्या है, एंड उसको कैसे आपको एडमिशन होता है, उसका उसके बाद आपको प्लेसमेंट कैसा रहता है, एंड कौन कौन को आपको ऑफर दिया जाता है, एंड वीडियो इंटरव्यू कैसे होता है उसका, ओके, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसके लिए आपको जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए, एंड वीडियो को शेयर कीजिए, एंड स्ट्रीम को लाइक ठोकिए। स्ट्रीम को लाइक ठोकने से आपके पास ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा नहीं, एज बिकॉज मैं भूख चुका हूँ बहुत दिन में ये सब चीज़ लेके, तो इसीलिए ऐसा इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचना चाहता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम लोग अप्लाई करने जाते हैं ना, हम लोगों के पास कोई नहीं रहता यार, एकदम खुद पे खुद अप्लाई करो, खुद पे खुद करो, ऐसे ही होता है। सो दिस इज़ द अनदर थिंग। तो उसके बाद CV कैसे लिखा जाता है, उसको SOP कैसा होता है, तो इसलिए क्या है ना, जो मैं फिर बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ठोकिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंड दोस्त लोगों को बीच में वीडियो को शेयर करके बोलिए, उनको भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद हमारा एक प्लान है, एक तो पॉडकास्ट करेंगे, कुछ फॉरेनर्स का MBA रहेगा जो मेरा दोस्त लोग है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैसे आप CMD बनोगे, कैसे आप CEO बनोगे एंड CEO बनोगे, उसका बारे में डिटेल्स में बात करेंगे इसमें। खास करके देखो यार, जब हम लोग IIM ABC का बात करते हैं ना, बहुत बड़ा चीज़ होता है, क्योंकि वहाँ पर सबको चांस नहीं मिलता है। तो इसीलिए क्या है ना, जो छोटा मोटा IIM जो है, जैसे कि ना IIM शिलोंग, IIM उदयपुर, IIM कोईकोड, IIM कोडिंग कोईकोड, छोटा मोटा नहीं है लेकिन दिग्गज नहीं है IIM ABC जैसा, ओके। सो दिस इज़ द थिंग, क्या है ना, इसमें 1 साल का MBA का प्रोग्राम है, एंड IIM उदयपुर में थ्रू कैट GRE एंड GMAT, कैट और GRE और GMAT का एडमिशन थ्रू उस वहाँ पर एडमिशन होता है IIM उदयपुर में। देयर इज़ नो सेक्शनल कट ऑफ एंड देयर इज़ नो कट ऑफ अबाउट दैट। 1 साल का MBA है, दैट इज़ 1 ईयर MBA, एंड तीनों का एडमिशन का आपको जो टेस्ट है उसका स्कोर का क्राइटेरिया एक है, एंड दैट इज़ द नॉट एन बेयर मिनिमम क्राइटेरिया, मैक्सिमम क्राइटेरिया भी कुछ भी नहीं है, एंड दैट इज़ ए पोर्शन टू एलिजिबल, दैट इज़ द एग्जाम टू एलिजिबल फॉर दैट एप्लीकेशन। तो 1000 रुपीज़ फीस है उसके एप्लीकेशन का, जुलाई महीना से स्टार्ट होता है उसका एप्लीकेशन, 4 फोज में होता है फेज में, एंड जनवरी महीने में आपका एप्लीकेशन एंड होता है। ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट MBA, 1 ईयर MBA फ्रॉम IIM उदयपुर, इसके बारे में बात करेंगे। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज क्या होगा ना, इसका कोई मतलब नहीं है आपको बोलने का। तो फीस कितना है, एप्लीकेशन फीस है 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ इसका एप्लीकेशन फीस है, एंड 22,60,000 उसका कोर्स फीस है 1 साल का, ओके। तो इसमें क्या है ना, जब आपको SOP बिल्कुल लिखना पड़ेगा, उसके बाद एप्लीकेशन का टाइम पे क्या करना पड़ेगा ना, आपको एक चीज़ दिमाग में घुसाओ, वीडियो इंटरव्यू, मतलब क्या है ना, वीडियो करके, मतलब है मोबाइल में वीडियो करके, कि या कोई कैमरा में वीडियो करो, या कोई GoPro जिसका है उसमें वीडियो करके आपको यूट्यूब में डालना पड़ेगा। तो यूट्यूब में जो लिंक रहेगा उस लिंक को शेयर करना है एप्लीकेशन में, ओके। सो तभी जाके आपको, आप क्या बोलना चाह रहे हो, दैट व्हाट इज़ योर CV एंड व्हाट इज़ योर इंट्रोडक्शन, हाउ यू वांट टू डू दैट कोर्स, पर्टिकुलर दैट कोर्स। सो इसमें क्या है ना, ज़्यादा हाईलाइट मत कीजिए कि जे मेरा का मैं स्ट्रीम चेंज करना चाह रहा हूँ, मेरे को पैसा बहुत कम मिल रहा है, इसलिए क्या ना मैं ज़्यादा पैसा मिलने के लिए कर रहा हूँ, तो आपको क्या ना एडमिशन होने के चांस बहुत कम हो जाता है। तो इसमें क्या ना, रीडिंग क्वालिटी को हाईलाइट कीजिए, आप क्या नया चीज़ किया हो, जो एक्सपीरियंस पब्लिक है इसके लिए इस कोर्स है, तो 3 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, दैट इज़ फॉर द 3 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, 3 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। तो क्या है ना, जिसके पास 10 ईयर्स का भी एक्सपीरियंस है ना, वो भी उसमें अप्लाई करता है। सो इट इज़ लाइक दैट, क्रिटिकल हर चीज़ में है, लेकिन क्या है ना भाई, आप अप्लाई करने लगोगे तो पता चलेगा येस इट इज़ लाइक दैट। इंटरव्यू होगा आपको, जनरली आज का डेट में ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, क्योंकि हर हर जगह का ट्रेंड हो गया, कोई आपको नहीं बुला के इंटरव्यू कराता है, लेकिन ऑनलाइन इंटरव्यू लेता है। एंड इसमें IIM उदयपुर में खास करके क्या है ना, जो ही आपको वीडियो करके उसको यूट्यूब में डालो, कोई भी चैनल बनाओ, आपको चैनल बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब क्या ना यूट्यूब में डालो, यूट्यूब का लिंक शेयर करना है, तो तभी जाके आपको वो वाला उन लोग देखेगा कि यस ही इज़ टेलिंग समथिंग, एंड आपको ऐसा करके प्रेजेंटेशन रखो कि आपको बहुत सारा अच्छा चीज़ मिल जाए, अदरवाइज क्या होगा ना, जे वो आप पीछे हट जाओगे। सो आप क्या है ना, जे वहाँ पर ऑपरेशंस मैनेजमेंट का हो, तो आपको FMCG सेक्टर है, e-commerce है, उसके बाद आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मार्केटिंग सेल्स है, आपको BFSI सेक्टर है, उसमें हर चीज़ में आप शिफ्ट कर सकते हो थ्रू ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोग्राम। एंड आपको लास्ट ईयर का आपको हाइस्ट पैकेज गया था 36 लाख, एंड मीडियम पैकेज गया था 20 लाख,
एंड एवरेज पैकेज गया था लगभग 20-21 लाख एंड द लोएस्ट पैकेज गया था आपको 18 लाख। ओके सो इसका क्या है ना, जब आपको सिटी का ऊपर वेरी करता है पैकेज एंड सीटीसी का उसमें वेरी करता है। उसके बाद और एक चीज़ क्या है ना, आप कैसा वहाँ पर परफॉर्म किए हो, क्योंकि आप मेहनत करते हो जाके बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। यानी इस कोर्स में क्या है ना, एकेडमिक डाइवर्सिटी का ज़्यादा ये है नहीं, लेकिन क्या है ना, यहाँ पर इंजीनियर लोगों का खास करके ज़्यादा प्रेफरेंस है खास करके फॉर दिस कोर्स। एंड जेंडर डाइवर्सिटी है फिर है भी नहीं, क्योंकि जनरली 25% इज द फीमेल एंड 75% इज द मेल जनरली होता है। सो दिस इज द वन ऑफ द एडवांटेज फॉर द मेल कैंडिडेट एज वेल एज फॉर द जनरल इंजीनियर मेल के लिए। उन लोगों का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, उसके बाद वो लोग MBA करने चाहते हैं तो उस टाइम वो रुकता है, क्योंकि उसी टाइम उसको बड़ा बड़ा जगह में मिलता नहीं तो छोटा जगह ढूंढने लगता है। सो दिस इज द थिंग। एंड ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अभी MBA करोगे तो उसका फ़ायदा भी बहुत है, क्योंकि आपको US में बहुत सारा जगह में आपको क्या है ना, कुछ साल यहाँ पर एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आप कहीं भी मूव कर सकते हो जो दूसरे सेक्टर में आपको नहीं हो पाएगा। क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट नाउअडेज क्या है ना, बहुत हाईली रिसर्चेबल चीज़ है जो आपको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन वो कोर्स जब करने लगोगे तब आपको पता चलेगा। सो दिस इज द थिंग। एंड मैं फिर बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज ऐसा इन्फॉर्मेशन आपके पास मिलेगा नहीं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, इस एप्लीकेशन फोर्थ फेज में होता है, चार को फेज में होता है। एक तो जुलाई में होता है, फिर एक तो आपको सेप्टेम्बर में होगा, फिर एक तो नवंबर में होगा, फिर जनवरी में जाकर फाइनल कंप्लीट करेगा वो, तो फोर्थ फेज में होता है। सो एंड रिजर्वेशन रूल इज एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। सो दिस इज द थिंग। एंड मैं तो सब कुछ बता दिया हूँ इस चैनल में, तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ठोकिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को भेजिए, दोस्तों को समझाइए ऐसा 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 करके होता है, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने से बहुत सारा चीज़ दिक्कत होता रहेगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो वन सेकंड, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन। कुछ प्रॉब्लम होने से कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बता दूंगा आपको। ओके बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।